छतरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक देसी कट्टा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस को इसे कट्टा फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध कट्टे सहित कट्टा बनाने का सामान मिला है। एमपी में विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों कट्टे का इस्तेमाल हो सकता था, क्योंकि जहां अवैध हथियार बनाए जा रहे थे ये थाना यूपी की सीमा से लगा है। जुझार नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कस्बा बारीगढ़ के वार्ड नंबर 7 में एक व्यक्ति अपने घर के अंदर अवैध रूप से कट्टा निर्माण कर कट्टा फैक्ट्री संचालित कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी के कब्जे से 315 बोर के 2 देसी कट्टे, 315 बोर के अधबने कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बनाने का सामान मिला है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है कि छतरपुर पुलिस जो है लगातार जितने भी अवैध गतिविधियाँ हैं उस पर कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि थाना जुझार नगर में वहीं के रहने वाले वार्ड 7 में एक परिवार में कट्टा बनाया जा रहा है। इसको वेरीफाई किया गया, फिर गंभीर मैटर था तो थाना प्रभारी अपनी टीम सहित गए, वहाँ पर दबिश दी तो वहाँ पर हमें 2 315 बोर के कट्टा और कुछ अधबने हुए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थे कट्टे 315 बोर के, कुछ कारतूस 315 बोर का और कट्टा बनाने की सामग्री वगैरह काफ़ी बड़ी संख्या में हमने वहाँ से जब्त किया है। आरोपी जो थे उनको भी राउंड अप कर लिया गया, आरोपी को भी, और FIR रजिस्टर्ड है, इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।